नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं मुरादाबाद की खबर। मुरादाबाद में आज एसडीएम सदन ने भारी पुलिस फोर्स को साथ लेकर कांड रोड पर तहसील परिषद के पास करोड़ों रुपए की कीमत की सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से दबंगों द्वारा किया गया कब्जा मुक्त कराया। जिला प्रशासन की टीम एसडीएम सदर की अगुवाई में निकल पड़ी और सदर तहसील के पास अवैध रूप सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया। सरकारी जमीन पर इन लोगों ने दुकानें बना के रखी हैं, कई बार इनको मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक में किसी निगम विभाग का जो है सीमेंट रखी है तो उसको दो दिन का समय दे दिया गया हटाने के लिए। बाकी सब इलीगल कब्जे से इसको तोड़ दिया गया है। पीछे भी कुछ इलीगल कब्जे हैं, चूँकि उसमें सामान जाता है इसलिए उनको भी दो दिन का समय दे दिया गया है। दो दिन के अंदर नहीं हटाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के इस मामले में बहुत कड़े निर्देश हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जो भूमाफिक श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने इस तरह की ज़मीन कब्जा की है, उनका कब्जा हटवा करके उस पर जो है सरकारी परियोजनाओं के लिए अन्य कारण के लिए उसको लिया जाए। एसडीएम सदर मुरादाबाद।